Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu bus stand, Sujangar. सांसद राहुल कसवा सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। राहुल कसवा तीसरी बार हैट्रिक सांसद बनने के बाद सुजानगढ़ आना हुआ उनका हुआ है, और सुजानगढ़ आते ही यहाँ जो अशोक सर्किल है वहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ओपन गाड़ी में वो यहाँ से सवार हुए हैं और मालाओं से लोग स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरी बार सांसद जीतने के पश्चात राहुल कसवा पहली बार सुजानगढ़ आए हैं और स्वागत अभिनंदन हो रहा है, और साथ ही वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दे रहे हैं। जगह जगह अभिनंदन कर रहे हैं। तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के पश्चात सांसद राहुल कसवा सुजानगढ़ पहली बार पहुंचे हैं, जहां पर उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए देखिए सुजानगढ़ शहर एवं देहात के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में यहां पर सांसद राहुल कसवा का स्वागत और अभिनंदन होने जा रहा है। धन्यवाद वो यहाँ पर ज्ञापित करेंगे सभी कार्यकर्ताओं को, और उनके धन्यवाद के रूप में संबोधित वो सभा को करेंगे। जोरदार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ पर स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, और सांसद राहुल कसवा जुलूस के रूप में, ये देखिए जुलूस के रूप में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुजानगढ़ अग्रसेन भवन का दृश्य है, जहाँ पर कांग्रेस के देहात एवं शहर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है। तीसरी बार हैट्रिक सांसद राहुल कसवा के सम्मान में सांसद राहुल कसवा जिंदाबाद की नारेबाजी हो रही है। जगह जगह स्वागत अभिनंदन हो रहा है। कांग्रेस के तमाम नेतागण मौजूद हैं। विधायक मनोज मेघवाल अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। राहुल कसवा पहली बार सुजानगढ़ पहुंचे हैं जीत दर्ज करने के पश्चात। मनोज मेघवाल के नेतृत्व में यहाँ पर स्वागत अभिनंदन, जोश भरा माहौल यहाँ पर।
हैट्रिक जीत के बाद पहली बार सुजानगढ़ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है सांसद राहुल कसवा का। विधायक मनोज मेघवाल साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। रामोतार जी मंगलहारा, प्रदीप जी तोदी सोल और माला से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतागण स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं सांसद राहुल कसवा। जिला अध्यक्ष इंदिरा जी खीचड़ का अभिनंदन किया जा रहा है विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा। सांसद का मालाओं से स्वागत हो रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सांसद राहुल कसवा का गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं के द्वारा। कांग्रेस के तमाम नेतागण गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं सांसद राहुल कसवा का। ग्रामीण देहात और शहर के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नेतागण स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। गर्मजोशी से कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सुजानगढ़ शहर एवं देहात कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत सम्मान यहां पर सांसद राहुल का स्वागत। हमारे पिता सर के पूर्व उपदेशक हमारे केशवराम जी को द्वारा आप भी बना रहे। पानी सिंह जी राठौड़ सरपंच आप भी बना रहे। डॉक्टर रमेश जी के अनुसार बरेला बाकी जी को भी बना रहे। स्वागत और अभिनंदन गर्म जोशी से सांसद राहुल का स्वागत। स्वागत और अभिनंदन श्रीमान सिकंदर अली के जी, श्रीमान तरुण सिकंदर जोरदार स्वागत। जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सांसद राहुल कसवा का गर्मजोशी से कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ है सुजानगढ़ पहुंचते ही सांसद राहुल कसवा का। आपको धन्यवाद देने के लिए विशेष तौर से आज आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं मेरी तरफ से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जबरदस्त मेहनत की और उसकी बदौलत जो एक शानदार जीत हुई उसमें सुजानगढ़ का भी एक अहम योगदान रहा है। मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास राहुल जी में प्रकट किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया और जब लगातार दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी एक भी सीट, इस बार हमने जैसा पहले कहा कि चूरू से शुरुआत होगी, चूरू सीट आप लोगों की मदद जीती और राजस्थान में भी एक शानदार जीत कांग्रेस जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ उसकी राजस्थान में जीत हुई और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने कड़ी मेहनत की और उसका एक सुखद परिणाम चार जब पेटियां खुली 4 जून को तो उस दिन निकल के आया। उनका भी मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा आप लोगों ने राहुल जी पे किया है ये अब आने वाले 5 सालों में आपको भरोसा टूटने नहीं देंगे। आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, चाहे
जिले में हो और चाहे दिल्ली तक हो, आपकी आवाज़ बुलंदी से रखेंगे। और हम लोग जो हमारी मंचों टीम है, हमारी कार्यकारिणियाँ हैं, हमारी पार्टी के जो सब लोग हैं, हम लोग भी मिलकर इस आने वाले 5 साल में आप लोगों के संघर्ष में कमी नहीं छोड़ेंगे। राज बने कि नहीं बना वो अलग बात है, कहीं थोड़ी कमी रहेगी दिल्ली में भी, राजस्थान में थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी दिल्ली में भी रहेगी, वो अलग बात है। पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पक्ष की भूमिका है तो विपक्ष की भी बराबर भूमिका है। जो भूमिका दी है वो राजस्थान में भी निभाएंगे और दिल्ली में भी निभाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उन्हें सभी लोगों का बहुत आभार धन्यवाद प्रकटता हूँ। राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी में आके और जिस जान से मेहनत की, और आगे आशा करते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो मांग हो उसके ऊपर आप खड़े उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका पूरा सहयोग रहेगा। अगली बार जो राहुल जी को बीजेपी वालों ने नकारा और हमने इनको दिल से लगाया, ये इनकी एक खासियत थी, बड़ापन था। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये भाव नहीं था कि हम ये इतने लंबे टाइम के बाद कांग्रेस में आए हैं तो किसी का हक मार रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। 1% भी कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, सब सम्मान के योग्य, तन मन धन से हर दृष्टि से राहुल जी को सपोर्ट किया और सांसद के रूप में आज एक बीजेपी वालों को तमाचा मार के दिखा दिया कि देखो मैं वही हूँ और यही कार्यकर्ता हैं, मुझे स्वीकार कर रहे हैं। वो इनका बड़ापन है कि हर कार्य सांसद बनने के बाद में, सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो चाहे प्रधान हो, सबका दायित्व यही होता है आम आदमी को साथ लेके चले। वो इनका हमेशा नेचर रहा, उसी की बदौलत आज हम लोग देख रहे हैं इतने लंबे टाइम समय से सांसद के पद पर भी रहे, प्रमुख के पद पर भी रहे, विधायक के भी रहे, इनके परिवार का हमेशा नेतृत्व है, वो मिलनसार रहा। और उसके साथ साथ राहुल जी की एक, मैंने पिछले टाइम में 3 साल से प्रधान के पद पर रहते हुए, जिलाध्यक्ष होने के बाद में मैं पार्टी से थोड़ी दूरी रही, लेकिन प्रधान रहते हुए इनका कार्यशैली देखी, इनकी काम करने की एक छोटी सी छोटी चीज़ के ऊपर भी इनका बारीकी से मंथन करना, किसान के और गरीब के हित में क्या काम कर सकता हूँ वो बेखूबी करने का इनका प्रयास रहा। और आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि राज चाहे जयपुर में न हो चाहे दिल्ली में न हो, आपका काम कहीं भी सांसद के प्रति होगा वो एकदम पूर्ण रूप से होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सभी जो कार्यकर्ता कांग्रेस की एक जो मजबूत टीम बैठी है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सफ़र हमने शुरू किया था, मैं आपके पास में, मैंने मेरे चुनाव का जब आगाज़ किया तो पहली मीटिंग मैंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए शुरुआत करी थी, और अब मैंने धन्यवाद के रूप में इसकी शुरुआत कर रतनगढ़ से राज सुजानगढ़ में है। ये सफ़र 2-2.5 महीने का बहुत मेहनत का रहा है, मैं ज़्यादा किमें गुण बोलना चाहूँ, सब जना बहुत लेट भी हो रहा हो, बहुत टाइम से बैठा हो, कई मैं गांव से भी निकल गया हूँगा, बहुत बड़ा और एक हटकर चुनाव था ये। लोगों की नज़र पूरे राजस्थान में नहीं देश की नज़र रही, परिणाम आए, जिस तरीका का माहौल बना पूरे राजस्थान में, लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं समय समय पर, और इस विचारों में एक बात साफ समझ में आती है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती, तो सबसे बड़ी ताकत अपने लोगों के पास में है, एक अपने वोट का इस्तेमाल, एक मत का उपयोग करना। और जिन मुद्दों को लेकर अपने चले थे, अपने सोच अपने विचार बिल्कुल सही तो थे ही थे, पर अपने एक ऐसी बात को लेकर चले थे कि मुझे कई बार मन में चिंता होती थी कि क्या सफर में लोग साथ देंगे कि साथ छूट जाएगा, पर आज बताते बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, जैसी परिस्थितियां रही, जो हमने एक आवाज़ उठाई अन्याय के खिलाफ, जो हमने एक आवाज़ उठाई
इस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। उस एक आवाज में हर एक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया। मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं आप सभी से, भी पूरी कांग्रेस की टीम का, जो लोगों ने अपने गांव तक पहुंचे, लोगों से लोगों तक पहुंचे और अपने इस बात को उठाया। मैं कांग्रेस परिवार के हमारे मुख्य जिले के अंदर खिचड़ साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने चुनाव को अपना चुनाव मानकर चला। आसान नहीं होता सफर इस तरह का। मेरा 10 साल मैं सांसद के रूप में रहा हूँ। मेरे पिता श्री राम सिंह कसवा जी भी 4 बार 20 साल सांसद रहे, एक अलग पार्टी में थे, पर वो जो सफर तय किया हम लोगों ने, उसमें हमने व्यवहार कुशलता के साथ में भाईचारे को बनाकर राजनीति करी, कभी तेरी मेरी करने की कोशिश नहीं करी। इसलिए आप लोगों ने स्वीकारा, पर मुझसे भी ज्यादा मेहनत तो और जिम्मेदारी रही होगी तो मेरे विधायक प्रत्याशियों के, विधायकों की रही होगी जिन्होंने इतनी मेहनत करी और लोगों को कन्विंस किया, समझाया कि एक नई शुरुआत हो रही है, शुरुआत में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधायक मनोज जी का, केजर साहब का, आज महेंद्र भी बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन महोदय का, इद्रीश जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कोऑपरेट किया है, जो आपने मेहनत करी है। मेरे गांव की वो टीम जो मेरे पिताजी के साथ चली थी, वो आज भी मजबूती के साथ में खड़े रही हमारे पीछे। आप ही वो मेरी ताकत हो जिस ताकत के साथ हम आगे बढ़ पाए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास के अंदर इस चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा कि अगर आपका मकसद सही हो, नीत और नीति साफ हो, तो जनता आपका साथ देती है। जो लड़ते हैं वो जीतते भी हैं और जीत के आप लोगों ने दिखाया है। ये चुनाव आसान नहीं है। आप बहुत से लोगों की बीमारी भी मिटाने को काम करे, काके की खाद मिटाई आप थे, मैं मेरा सहयोगी रहा हूं, क्योंकि वो लोग है जिन्होंने समाज के अंदर आज भी इनकी मानसिकता रही है कि लोगों को दबाकर कुचल कर। और मैं बिल्कुल सही था, जिस दिन मैंने फैसला लिया उस दिन मैं सोचा नहीं था कितना बड़ा मेरा साथ मिलेगा। पर चुनाव के अंदर आपने लोगों के भाषण सुने होंगे, ये लोगों को आज भी दबाकर कुचल कर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर राज करना चाहते हैं। और हम लोग दिलों में जगह बनाकर राज करना चाहते नहीं, राजनीति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। राज जैसा शब्द इस प्रजातंत्र में कोई दूसरी जगह नहीं। लोगों के दिलों में जगह बनाओगे, लोगों का काम करोगे, व्यवहार कुशलता के साथ आगे बढ़ोगे, तो जनता आशीर्वाद एक बार नहीं बार बार देती है, और इस बार 7 बार दिया है तो आप लोगों ने दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खिचड़ साहब ने जो बात कही है, हम एक और एक, मैं और मनोज जी, 2 नहीं 11 होंगे। सरकार भारत की होगी, काम जो भी करेगी, योजना जो भी लेके आएगी, मजबूती से दिल्ली से लाने का काम हम करेंगे। और जयपुर में कोई कमी रहेगी तो भाई मनोज जी बैठे हैं, एक नई शुरुआत हुई है, नई जोड़ी बनी है सुजानगढ़ में। आप थोड़ा धक्को मुक्को तो लगा के ना को पी गए, अपनों पर बात बोली, बॉर्डर पर आ गया, पर हम दोनों बैठेंगे, फिर मेहनत करेंगे और अगले चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हो उस जीत के लिए सुनिश्चित करेंगे। और आप लोगों का साथ चाहिए, एक टीम के रूप में काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम इस सुजानगढ़ में नहीं, चूरू लोकसभा में कराऊंगा। आने वाला चुनाव में, चुनाव आ रहे टाइम पे, जिला परिषद को, BDC को, सरपंच को, नगर परिषद को, नगर पालिकाओं को, सबने एक होकर आपन आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ एक नई कांग्रेस की मजबूत टीम को साथ में काम करेंगे। मुझे भी आप लोगों ने परिवार का हिस्सा बनाया है, जितना मुझसे बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में मेहनत करूंगा, ये आपको पूरा पूरा वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं इस मन से। और विकास मेरा हमेशा मकसद रहा राजनीति के अंदर। मैंने 10 साल में अभूतपूर्व काम करने की कोशिश करी है, एक नई विकास की परिभाषा देखने की कोशिश करी है अपने चूरू के अंदर। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। अगर हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनेगा तो चूरू लोकसभा पहले बनेगा, ये जिम्मेदारी हम अपने आप पर लेके चलते हैं। और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं पर भी कोई कमी को नहीं आवेगी, कमी आवेगी आज की तारीख में भी हर उस मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। आज भी मैं कलेक्टर महोदया से मिल के आया हूँ, बिजली पानी की जबरदस्त किल्लत है और इस किल्लत के अंदर 29 तारीख को हमने शनिवार के दिन
जिला परिषद की मीटिंग भी रखवाई है, उस मीटिंग में मुद्दों को उठाएंगे, आपके लिए सरकार से लड़ेंगे। जब सरकार न मानी तो जमीन पर आकर रोड पर लड़ूंगा, पर थानेदारों हक दिलाऊंगा जरूर, जो थाने वादा करा। और एक बार सुने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने हमारा मान सम्मान दिया और मुझे इस परिवार के अंदर जो जगह दी है और सबने जो सहयोग किया है, मैंने सबके सहयोग की बात उम्मीद थी उससे ज़्यादा देर सहयोग करे है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और मेरी पूरी टीम कांग्रेस की, जो मजबूत टीम सुजानगढ़ की बैठी है, मेरे युवा साथी सब बैठे हैं जिनका बहुत योगदान सबका रहा था, मैं सारा को नाम को लेना चाहूँ। और मेरे इंडिया गठबंधन के साथी, मेरे कांग्रेस साथी भी रह गए हैं, यह भी एंकर भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, खड़े हो जाए बने तो बात रो मान जाऊँ मेरे दोनों भाई के कॉमरेड। इंडिया गठबंधन की टीम रही, आरएनपी की टीम रही और सीपीएम की टीम रही, सबका धन्यवाद देता हूँ इस मौके के ऊपर। और हम मजबूती से किसान और किसानी की आवाज़ को मजबूत करने के लिए और गांव और मोहल्लों में बैठे हुए हर उस गरीब और वंचित के लिए जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, जो पैसा ला सके उसके लिए मजबूती से काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है, भारी संख्या में स्वागत अभिनंदन के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तीसरी बार सांसद बनने के पश्चात राहुल कस्वा पहली बार सुजानगढ़ विधानसभा, सुजानगढ़ शहर में पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत और अभिनंदन यहां के विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर स्वागत किया गया। और साथ ही उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया सभी कार्यकर्ताओं का और धन्यवाद सभा को संबोधित किया। ये था विशेष कार्यक्रम अग्रसेन भवन सुजानगढ़ से। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।